हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ चैप्टर पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें हर पार्ट में हमें जीरोस पता करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन को। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पास हम क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1 8 सा 8, और जो 8 के फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे। और हमें क्या लाना है, 2 लाना है, तो देखो 2 2 सा 4 और 2, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ओके हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो एक चीज़ और है कि ये जो सेंटर यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हम यहाँ पे भी एक्स लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे और फोर के पास भी एक्स लिखेंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए और लिखिए, इस माइनस टू एक्स को हमने स्प्लिट करा तो क्या आया, 4x माइनस 2x और फिर माइनस 8 आप लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। दोनों में क्या कॉमन, एक्स कॉमन है, तो ब्रैकेट एक एक्स बाहर एक एक्स अंदर, माइनस 4x में से एक्स बाहर ब्रैकेट में एक्स, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 4, क्योंकि 2 4 का 8 होता है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2। ओके इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 2 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके फिर x जब 4 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, 4, और x इक्वल्स टू 2 इधर गया तो माइनस 2। इट मीन्स हमें ये अल्फा मिल गया 4 और ये हो गया बीटा माइनस 2। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास दो जीरोस आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के, जब हम दो जीरोस फाइंड कर लेते हैं तो हम उसको, एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा लेते हैं। ओके अब हमारे पास दो जीरोस आ गए, अल्फा एंड बीटा। अब हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। ओके देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके अब यहाँ पे हम रखेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा है 4 एंड बीटा इज माइनस 2 इक्वल्स टू बी। अब हमें बी और ए की वैल्यू भी देखनी है, जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इज 4 और बीटा है माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस बी। अब हम ऐसा करेंगे कि हमें ए बी सी भी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो बी, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है क्वेश्चन में, बी हमें गिवन है, पॉलीनोमियल तो ये है, तो इसमें बी कितना है, माइनस 2। ओके हाँ, और ए कितना है गिवन, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और सी कितना है, माइनस 8। ओके अब हम क्या करेंगे, माइनस बी, माइनस बी कितना है, माइनस 2। ओके और ए कितना है, 1। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। तो देखो ये तो हो गया प्लस, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो गए, ये भी 2 अपॉन 1, तो यहाँ पे 1, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए,
अपरोट जीरोस की दिया क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है था माइनस टू, इक्वल टू सी, सी कितना है 8 और ए कितना है 1, देखो 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 इक्वल माइनस 8 है ना, तो यहाँ पे भी 8 माइनस 8। ओके तो यहाँ देखिएगा कि ये दोनों किस में आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो इसमें जो हमने जीरोस निकाले वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमने इनको वेरीफाई किया तो सम ऑफ जीरोस में देखा तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखा तो वो भी एक दूसरे के इक्वल आए, तो हमने जो वेरीफाई किया वो बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4 को और इस लास्ट टर्म को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 वन ज़ा 4 आएगा, और 4 के जो फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, अब इनको मल्टीप्लाई करके तो 4 आ गया और ऐड करके भी 4 ही आना चाहिए, तो देखो ऐड करके भी 4 आ रहा है और क्या है s यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ s लगा देंगे, तो इसका मतलब 4s के क्या फैक्टर स्प्लिट करके क्या आया 2s प्लस 2s। ओके अब हम लिखेंगे 4s² माइनस ब्रैकेट 2s प्लस 2s प्लस 1, अब 4s² माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस 1, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 2 की टर्म आता है और s कॉमन है, तो देखो 2 टू ज़ा 4, 2s में से 1s बाहर 1s अंदर माइनस 2s में से 2s बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, वो भी माइनस 1 कॉमन है। ओके तो यहाँ अंदर ब्रैकेट में आएगा 2s, प्लस में से माइनस बाहर माइनस अंदर, तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना। ओके अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, वो है 2s माइनस 1 और बचा क्या 2s माइनस 1, तो हमें पॉलीनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1 के जो फैक्टर मिले वो क्या है 2s माइनस 1, दूसरा भी है 2s माइनस 1, सो द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 व्हेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा s इक्वल टू 1 अपॉन 2 और यहाँ पे भी s इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो बच्चों एक ये अल्फा हो गया और ये दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया। ओके तो हमें दो जीरोस मिल गए अल्फा एंड बीटा। ओके इसको मैं रब कर देती हूँ। अब एक चीज़ देखते हैं, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो पॉलीनोमियल है उसमें ए बी सी क्या क्या गिवन है वो नोट डाउन कर लो, ए ए कितना है 4, बी कितना है माइनस 4 और सी कितना है 1, आप साइन का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 है ये पॉजिटिव में तो मैंने सिर्फ 4 लिखा है, यहाँ b कितना है माइनस 4, इस पर साइन किसका है माइनस का है तो इसलिए माइनस 4 लिखा और c क्या है 1, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का साइन का। ओके अब हम वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ए और वो किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए और हमें अल्फा एंड बीटा कितना आया है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस बी, बी कितना गिवन है माइनस 4, ए ए कितना है 4। ओके अब देखो इनका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 2 ओके इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, देखिए दोनों साइड इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गए। ओके अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा कितना आया था हमारे पास 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1 अपॉन 2 और सी, सी की वैल्यू है 1 और ए सी अपॉन ए है ना, ए की वैल्यू कितनी 4। ओके 1 वन ज़ा 1 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके तो हमने पाया कि सम ऑफ जीरोज में भी दोनों इक्वल आए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी दोनों ही इक्वल आए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है
लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। आपको सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। और आप देखो ax² तो अपनी सही पोजीशन में है, bx यहाँ देखो सेकंड टर्म जो होता है वो कहाँ चला गया, कहाँ लिखा हुआ है ना? तो सबसे पहले हमें उसे करेक्ट करना है। ओके, सही पोजीशन में लाने, 6x² - 7x - 3। ओके, इस तरह से हमने उसको सही पोजीशन में लेकर आ गए। अब देखो x² का कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। तो 6 3 18, इनके आपस में मल्टीप्लाई करी तो 18 आया, और 18 का फैक्टर करो। ओके, अब मुझे मल्टीप्लाई करके 18 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे 7 लाना है। तो देखो 3 3 9 × 2, हाँ 2 रह गया ना, तो 2 9 18 और 9 - 2 = 7। तो मीन्स हमने मल्टीप्लाई करके 18 भी लेकर आ गए और 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 भी आ गया। और 7 के साथ क्या है, x, तो हम यहाँ x लगाएंगे तो इधर भी x, इधर भी x। ओके, तो हमने -7x को स्प्लिट कर दिया। अब देखो x² - (9x - 2x - 3). ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, उस वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज हो गए। दोनों में क्या कॉमन, 3 और x, ब्रैकेट में आया 2x - 3। ओके, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2x - 3। अब इसमें इसमें क्या कॉमन है, 2x - 3, बचा क्या, 3x + 1। अब यहाँ देखो बच्चों, हमें इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर्स मिल गए। ओके, तो सो दी वैल्यू ऑफ 6x² - 7x - 3 इज 0 व्हेन 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गए। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1/3 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके, देखो बच्चों, वेरीफाई करने से पहले आप ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए, और तो जो पॉलीनोमियल दिया गया उसमें से ए क्या है 6, बी क्या है -7 एंड सी क्या है -3। ओके, अब नाउ वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोस जो कि क्या है α+β है, और किसके इक्वल है -b/a। अल्फा इज, हाँ बेटा, इसको अल्फा लेंगे 3/2, और ये हो जाएगा बीटा -1/3। तो अल्फा लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा लिखेंगे -1/3, और वो भी ब्रैकेट में इक्वल्स टू -b। बी कितना गिवन है -7, और ए कितना गिवन है 6। ओके, अब इनको सॉल्व करो, 3/2 + -1/3 इक्वल टू -(-)+7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 9 - 2 आ जाएगा 7/6। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/6, ये भी 7/6। देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, α/β, जो कि c/a के इक्वल होता है। अल्फा कितना गिवन है हमें, 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बीटा है -1/3, -1/3 इक्वल टू सी कितना है -3, और ए कितना है 6। तो 3 को -1 से किया तो -3, और 2 3 6 इक्वल टू -3/6। देखो बच्चों, ये भी दोनों इक्वल आ गए और इधर भी दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। ओके, अब हमें इनके भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपल है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 4 और u, तो क्या बचा, u + 2। ओके, अब देखो, इट मीन्स जो इसके फैक्टर्स हैं वो है 4u और u+2। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज 0 व्हेन 4u इज इक्वल टू 0 और u+2 इज इक्वल टू 0।
तो हम लिखेंगे u इक्वल्स टू 0.4, यानी कि u की वैल्यू आ गई 0, u इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा तो -2। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं, u एक तो 0 आया और एक -2 आया, तो डेट इज़ एन अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू -2। हम a b c की वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो a कितना है 4, b कितना है 8, c यहाँ तो दे नहीं रखा है, सेकेंड टर्म वो हो जाएगा 0, थर्ड टर्म सॉरी वो हो जाएगा 0। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोस पता करेंगे। सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 माइनस बी कितना है 8 और ए कितना है 4। ओके, जब इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा इक्वल टू, इसको कैंसिल करो तो ये भी -2 आया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि सी अपॉन ए के इक्वल होते हैं, और अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2 इक्वल टू सी कितना है 0 और ए कितना है 4। ओके, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 को 0 4 से डिवाइड करेंगे 0, तो ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो इट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इक्वल है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा तो वो दोनों इक्वल है। तो जब हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशनशिप पता चला और उसको हमने वेरीफाई किया। ओके, अब आ जाइए इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ओके, चलिए अब हमने यहाँ कर लिया। अब इसके जब करेंगे तो ध्यान रखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ में आ रही है। तो ए हम टी ले लेंगे, बी हम रूट 15 लेंगे, तो टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, इसके दो फैक्टर्स हमें मिल गए। ओके, हमने आइडेंटिटी यूज़ करके इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, आइडेंटिटीज यूज़ करके हमने इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू रूट 15 तक जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा माइनस का रूट 15, और टी इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 15 बच जाएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा। तो हमें दो जीरोस मिल गए, एक का नाम रख दो अल्फा और एक का नाम रख दो बीटा। ओके, हमें अल्फा बीटा मिल गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन मैंने हमेशा कहा वेरीफाई करने से पहले हम ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए इक्वल्स टू, तो हम पॉलिनॉमियल देखेंगे, तो ए क्या है इस पॉलिनॉमियल 1। ओके, बी क्या है इसमें, बी बी क्या होता है, देखो आपको पता है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बी क्या होता है, सी एक्स का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे टी नहीं गिवन है, तो इसका मतलब हमें कोएफिशिएंट ऑफ टी नहीं पता, इसका मतलब बी जो हो गया जीरो हो गया और सी क्या हो गया रूट। हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा हमारे पास आया है माइनस रूट 15 प्लस बीटा आया है हमारे पास रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी कितना है हमारे पास 0 एंड ए इज 1। अब देखो ये नेगेटिव का है रूट 15 और ये पॉजिटिव का है तो ये कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता करते हैं इस क्वेश्चन के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ओके, और अल्फा हमारे पास आया है माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा है हमारे पास रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस 15। ओके, तो यहाँ पे भी
सी की वैल्यू आएगी माइनस 15 अपॉन ए कितना है 1। देखो माइनस रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, 15 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 15। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे इक्वल आ गए, ओके, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज भी इक्वल आ गए। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि जीरोज और कोएफिशिएंट्स क्या है, इनके बीच का क्या रिलेशन है। इसका सिक्स पार्ट है 3x² - x - 4, ओके। अब हमें इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 3 4 से क्या होता है 12, तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। मुझे इन्हीं नंबरों से 12 बनाना है और यहाँ पे 1 भी लाना। देखो 2 2 4 मल्टीप्लाई 3, तो 12 तो हो गया, अब 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो गया, आगे ना 1। अब इसको भी एक्स रखो, इसको भी एक्स रखो, यहाँ पे भी एक्स रखना पड़ता है। अब देखो 3x² - (4x - 3x), हमने x को स्प्लिट किया था ना इसमें, अच्छा इक्वल्स टू -4, ओके, इसको हटा देते हैं। अब देखो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में तो x कॉमन है, ब्रैकेट में रहा 3x - 4, इन दोनों में 1 कॉमन है, तो क्या रहा 3x - 4, ओके। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 3x - 4 और बच क्या गया x+1। तो हमारे पास इस पॉलीनोमियल के दो फैक्टर्स हमें मिल गए, तो सो द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0 व्हेन 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x+1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू आएगी 4/3 और इसमें x की वैल्यू आएगी -1। तो ये तो हो गया हमारे पास अल्फा और ये हो गया हमारे पास बीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे, ए एंड बी सी की वैल्यू पता करें, ए बी सी इनकी वैल्यू को हम देखेंगे। तो ए कितना है 3, बी कितना है -1 और सी कितना है -4। देखो बच्चों साइन भी साथ में लेकर चलना है, जिसका जैसा साइन है, ओके। अब आ जाइए वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और उसकी इक्वल होता है -b/a। अब हमारे पास जीरोस क्या है 4/3, अल्फा तो आया 4/3 प्लस बीटा आया है -1 इक्वल टू बी, माइनस बी कितना है -1 और ए ए कितना है 3, ओके। इस -1 के हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, अब इनका एलसीएम लोगे तो 3 तो आएगा 4 प्लस माइनस माइनस और 3 1 3 इक्वल टू -(-+1, 3)। देखो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 और ये भी 1/3। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होते हैं c/a के इक्वल। अल्फा कितना है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1, सी की वैल्यू है -4 और अपॉन ए की वैल्यू 3। देखो सॉल्व करो, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -4/3, ये भी -4/3। तो यहाँ पे भी हमारे सम ऑफ जीरोज इक्वल आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। तो हमने वेरीफाई कर लिया और जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर लिया और साथ में हमने दो जीरोज भी फाइंड आउट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन सम ऑफ जीरोज मतलब जो जीरोज हैं उनका सम हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो बच्चों देखो पहले सम लिखा है, इट मीन्स इस जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, जो फर्स्ट 1/4 है ये सम होगा, और फिर बाद में क्या लिखा है प्रोडक्ट है, तो ये जो -1 है ये प्रोडक्ट है। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें गिवन है -4, -1, ये -1/4 क्या है सम ऑफ जीरोज गिवन है, ओके दैट इज 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को बनाने के लिए हमें
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/4, 1/4 एक्स ले तो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, -1। एक काम देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे किसी इस पॉलिनोमियल में अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं आता तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर लेते, यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व था। लेकिन यहाँ पर एक टर्म में डिनोमिनेटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम पूरे पॉलिनोमियल को, जो ये पूरा पॉलिनोमियल जो हमने बनाया है, इसको इसी 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब हम इसको 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 को इससे करेंगे तो 4x अपॉन 4। ओके, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 4 को जब इससे करेंगे तो 4 × 1 = 4। देखो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, वन आ गया, तो 4x स्क्वायर माइनस क्या बचा, x बन सा x माइनस 4, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में, √2, 1/3, 1/3 सम ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/3। ओके, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन है 3 आ गया, अब हम क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर हट जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 × 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में है 0, √5। ओके, तो एक सम ऑफ जीरोस हो गया कितना है, 0, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, √5। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख दिया। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितने, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, √5। एक्स स्क्वायर माइनस 0x, 0 होता है उसको फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लस √5। हम अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1, 1, तो ये है सम ऑफ जीरोज भी हमें 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें 1 दे रखा है, और अब हम इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1 है तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाए एक्स प्लस 1। ओके, अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट पर, हमें गिवन है −1/4, 1/4। ओके, तो सम ऑफ जीरोस है हमारे पास 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास क्या है, 1/4। अब हम इसे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस −1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हमें डिनोमिनेटर में से 4 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 को इससे करेंगे तो 4 × 1 × 4 प्लस 4 × 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल मतलब 1, 1, तो हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स प्लस 1 × 1 = 1, तो हमारे पास पॉलिनोमियल ही आ गया। ओके, तो हमने फिफ्थ पार्ट हो गया। अब आ जाइए सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट पे है 4, 1,
हमें सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? सम ऑफ जीरोस कितना है? 4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? 4। इसमें एक्स है एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आ जाए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।